इस बार का चुनाव मोदी की गारंटी पर हो रहा है, ये बड़ा बयान है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का यूपी से पलायन हो चुका है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भूपेंद्र चौधरी को इतना बड़ा बयान देना पड़ गया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को कहा, इंडिया अलायंस में आपस में बहुत खींचातान मची है, सभी दल स्वार्थवश साथ रहने का स्वांग तो रच रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। भूपेंद्र चौधरी ने अपने एक बयान में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को अपने घोषित प्रत्याशियों पर भी भरोसा नहीं है, दो दो तीन तीन बार उम्मीदवार बदल रहे हैं, कांग्रेस के पास उसकी परंपरागत कही जाने वाली सीट पर तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच अंतर विरोध, मतभेद और मनभेद इतना गहरा है कि आपस में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में इनके पास नेता, नीति और नियत सबका अभाव है। कांग्रेस का यूपी से पलायन हो चुका है, बाकी दल भी मन मन में ही हतोत्साहित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव मोदी की गारंटी पर हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी 2024 के परिणाम के बाद देश के लिए एक और बड़ा फैसला लेंगे, हमने जो कहा उसे पूरा किया, हम प्रामाणिक दल हैं, इस चुनाव में हम गरीब कल्याण के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के हर एक किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाना देश के एक हर किसान के सम्मान के समान है। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ये कार्य न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि इससे हर किसान के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव जो है वो साफ दिखता है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक राज्य में 63 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, पार्टी अगले कुछ दिनों में बचे हुए 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।